इससे अच्छा प्राण आनंदी कर लेना चाहिए। जंगूर है, देखते हुए हाहाकार मच गए। नंगे इत्यादि गढ़ों ने देखा, हो माता जी तो एक ऊपर में समर्पित। पकड़ने के लिए दौड़े कि हम पकड़ ले निकाल ले, तो भृगु ऋषि इत्यादि ने कह दिया, कोई भी शिव संबंधी यहाँ से ना जाए, सबकी पिटाई करो, बंदी बना दो। महाराज देवताओं ने मिलकर उनकी पिटाई की। सभी गढ़ों के बेचारे जैसे बने तैसे छूट करके भागे। कैलाश की ओर आए, भोलेनाथ जी बैठे थे बेचारे, टूटे पटे चले आ रहे। भोलेनाथ जी के पास महाराज राय माम, भोलेनाथ जी का जवाब है, ऐसी स्थिति ये दुर्दशा किसने की है? बोले महाराज जी मत पूछो। भोलेनाथ जी ने कहा, ये बताओ आपकी माता जी कहाँ है, ये बताओ। बोले भोलेनाथ जी समझ ही गए थे, आपकी माता जी कहाँ है? बोले माँ। और माँ जैसे ही कहा, नंदी इत्यादि गणों के नेत्रों से आंसू आने लगे। माँ तो यज्ञ कुंड को उन्होंने अपना शरीर समर्पित कर दिया। इतना जैसे ही कहा, भोलेनाथ जी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके जैसे उन्होंने अपना जटा बिखारे, एक जटा ली और जमीन में दे मारे, उसमें से वीरभद्र नाम का गण प्रकट करा। बोलो वीरभद्र महाराज की। और जैसे ही वो गण प्रकट हुए, देखते देखते विशाल ध्रुव में जिसका बोले नाजिर था, ये पकड़ों पर छू लो, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। सभी भूत प्रेत प्रसादनी दाक्षिणी वेताला ब्रह्मराज सभी को छूट दे दी, जाओ सभी लोग जाओ, यज्ञ को विध्वंस करके आओ। महाराज भूत प्रेत प्रसाद दाक्षिणी जाति दौड़ करके सीधे अब दक्ष प्रजापति की ओर। महाराज ऐसे लगने लगा जैसे महाप्रलय होने वाला हो, केवल आवाज आ रही, मारो पीटो बंदी बनाओ, भागने ना पाए, बस केवल यही आवाज। किसी का पेरा सिर ही जा रहा, किसी के हाथ पर कुछ है ही नहीं, पिंड अटे नहीं जा रहा, किसी के अगले पैर ही दिख रहे। हाँ यज्ञ विध्वंस करने के लिए जा रहे, चारों ओर से घेर लिया यज्ञशाला में सभी देवताओं। और जैसे ही वीरभद्र महाराज अंदर पहुंचे यज्ञशाला, तो दक्ष प्रजापति खड़क लेकर के मारने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े, तो वीरभद्र लिया त्रिशूल का एक प्रहार किया, तो सर धर से अलग हो गया और सीधे यज्ञशाला में स्वाहा कर सभी देवताओं के लिए बंदी बना दिया। आओ सभी लोगों को लाइन से बिठा दिया। बोलो नंदी इत्यादि गणों से पूछा, ये बताओ क्या हुआ? बोले महाराज भूखा देवता थे, भूखा। हाँ बोले महाराज हमारी पिटाई हो रही थी, दांत निकाल के हंस रहे थे। तो वीरभद्र जी ने लिया मुक्का, एक जमाया तो 3200 बाहर फेंक दिए। हाँ और बोले भूखा देवता है, अच्छा ये महाराज नित्य मटका मटका इशारा कर रहे थे, इसकी पिटाई करो इसकी करो। अच्छा वीरभद्र ने लिया, दोनों उंगलियों को लिया, उनकी आंखों में प्रवेश कर दिया, रोशनी खींची। और बताओ आप भृगु ऋषि कांप रहे थे खड़े खड़े। बोले महाराज जी बाबा जी है ना सफेद दाढ़ी वाले, इन्हीं ने सब कुछ करवाया। अच्छा हाँ ए बाबा इधर, वो डरते डरते आए नहीं आ पा रहे। तत्काल वीरभद्र जी ने उनकी दाढ़ी पकड़ी और एक झटका लगाया तो दाढ़ी हाथ में, हाँ सारी दाढ़ी उखाड़ दी और सबको सभी बात अब सभी देवताओं को क्रूर कर दिया, पिटाई कर दी। सभी देवता भागे भागे पहुंचे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। महाराज त्राईवाम त्राईवाम, बोले क्या होगा? बोले शंकर जी के गणों ने ये हमारी दुर्दशा कर दी। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा यज्ञ में गए थे देवा, बोले दक्षिणा मिली, अब काय को चिल्ला रहे, काय को रो रहे, दक्षिणा मिली तो ले लो बढ़िया।
अरे महाराज मेरी पे हाँ तो बोले सबको मेरे भाई के किसी कोई बच गया, बोले मेरे मिली सबको, सब परेशान है महाराज। अब महाराज क्षमा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भले आगे जिस यज्ञ में भोलेनाथ जी का हिस्सा नहीं है, भोलेनाथ जी की कोई आसन नहीं है, तो वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु तो जा ही नहीं सकते, तो बोले हम लोग भी नहीं गए। ब्रह्मा जी को पता चला कि भोलेनाथ जी की कोई आसन नहीं है, तो बोले ब्रह्मा जी भी नहीं गए, भगवान विष्णु नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के यज्ञ संपन्न नहीं होता, तो बोले अब आप लोग गए थे दक्ष प्रजापति, ये भैया अच्छी दक्षिणा मिलेगी, दौड़े दौड़े पहुंचे अच्छी मिलेगी, अब काय को रो रहे हमारे पास आ गया। नहीं महाराज क्षमा करो। बोले तो हम क्षमा नहीं करेंगे। बोले भगवान, बोले बोले नायक ही क्षमा करो, उनकी शरण में चलना चाहिए। अब सभी देवताओं को लेकर के भोलेनाथ जी के शरण में पहुंचे। भोलेनाथ जी बैठे थे क्रोध में। अब देवता बेचारे सब जल रहे कि कैसे जाए उनके सामने, और गण भी सभी चारों ओर खड़े हैं, वो भी गुस्सा ही में खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी से कहे आप आगे हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले आगे हो जाओ, नहीं महाराज आप आगे चलो तभी सब कुछ हो पाएगा, हम नहीं आगे जाएंगे। बार बार प्रार्थना करते हुए अब सभी गणों ने दूर से क्या दूर से स्तुति करना शुरू कर दिया भोलेनाथ जी को। क्या कि नमामि समीसाम, कि नमामि समीसाम, निर्वाण रूपम विभुम व्यापिकम ब्रह्म भवे दशरो कालम पालम गुणागार
हरे हम